Good morning friends, myself Shishir Pandey, and today I will be discussing a topic of genetics which is basically incomplete dominance versus co-dominance. So basically aaj hum ye discuss karenge ki incomplete dominance aur co-dominance mein kya farak hota hai. To isko discuss karne se pehle sabse pehle hame ye pata hona chahiye ki ye ek tarike ke critic phenomena ban jate hain बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए जो कि मेंडल ने दिया था. तो मेंडल के बेसिकली जो लॉज थे वो थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस हम मोनोहैबिट क्रॉस के टर्म्स में रिलेट करते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो डायहैबिट क्रॉस के टर्म्स में रिलेट होता है. अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पढ़ना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल साहब ने दिया था वो एक्चुअली था क्या. तो इसमें हमें यह पता होता है कि आपके पास अगर एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर के बेसिकली दो अलील्स होते हैं, और ये जो दो अलील्स होते हैं ये बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इनमें से एक फॉर्म का अलील जो होता है वो दूसरे फॉर्म के अलील को के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है. दैट इज जो कैपिटल टी है यहां पे उसका प्रोटीन एक्सप्रेशन स्मॉल टी के रेफरेंस में ज्यादा होता है, इसलिए ये स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, एंड हेंस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. तो जब हम यहां पर बेसिकली F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो को देखते हैं तो हमारे पास तीन तरीके के जीनोटाइप आते हैं. एक आता है कैपिटल टी, एक आता है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आता है स्मॉल टी. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल टी इस पहले फॉर्म में है वो बेसिकली टॉलनेस को कैरेक्टराइज करेगा. हेटेरोजाइगस स्टेट में अगर आप यहां पर देखें तो दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, हेंस इट ऑल्सो विल फॉर्म अ फिनोटाइप विच विल बी टॉल, एंड द होमोजाइगस इन होमोजाइगस स्टेट इट विल बेसिकली कोड फॉर द डॉर्फनेस पार्ट ऑफ द प्लांट हाइट. दैट मीन्स कि अगर नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस फेवरेबल हो रहा है तो बेसिकली जो फिनोटाइप हमें मिलेगा वो मिलेगा 3:1 का, जिसमें 3 टॉल होंगे और एक जो होगा वो बेसिकली ड्वार्फ होगा. अब जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्सेस कोडोमिनेंस की, तो हम यहां पे ये देखेंगे कि इन दोनों केसेस में बेसिकली जो पहले मैं बात करना चाहूंगा वो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो होता है लेकिन दो प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों फिनोमिनास ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के पार्ट होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम समझ सकते हैं. अब हमारे पास अगर हम देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली ये कहता है कि जो नॉर्मल जाइगोट होता है और एक जाइगोट में जनरली दो फॉर्म्स के अलील्स होते हैं या दो अलील्स होते हैं बेसिकली, और एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दे सेपरेट. दैट मींस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि वो जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस में एक साथ रहते हैं लेकिन आपस में मिक्स नहीं करते, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो आप बेसिकली सेग्रीगेट हो जाते हैं. तो बेसिकली जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे तो हम यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो होते हुए देखेंगे लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो बेसिकली फेल हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल के थ्रू केस को स्टडी करते हैं. सपोज हमारे पास हम जो केस ले रहे हैं जो कि एनसीईआरटीज में मेंशनड है वो केस है एंटीराइनम मेजस का, जिसको हम नॉर्मली स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं. तो हम यहां पे इस केस को अगर स्टडी करेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहां दो पेरेंट्स हैं. बेसिकली हमारे पास पेरेंटल जेनरेशन में हमने दो पेरेंट्स लिए, और एक पेरेंट जो कि अपनी यहां पे होमोजाइगस स्टेट में है इसका फ्लावर का जो कलर है वो रेड कलर है,
तो ये जो फ्लावर का यहाँ पे हमने कलर लिया वो रेड लिया, और जो इसका रिसेसिव फॉर्म है वो बेसिकली हमने वाइट कलर लिया फ्लावर का, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वाइट फ्लावर आया। अब जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो बेसिकली हमें यहां से आर गैमेट मिलेगा और यहां से हमें स्मॉल आर गैमेट मिलेगा, और जब ये बेसिकली F1 जनरेशन में कंबाइन करेंगे तो यहां पे हमारे पास एक हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस होगा। अब नॉर्मल अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो यहां पे जो कलर है वो रेड आना चाहिए था, लेकिन इस केस में ये कलर जो है वो पिंक आता है। फर्दर जब हम F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग करेंगे तो हम यहां पे देखेंगे कि जब यहां पे नॉर्मली हम जब F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग करेंगे तो हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो रेड आएगा, दो पिंक आएंगे और एक वाइट आएगा। तो बेसिकली यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो हेटेरोजाइगस स्टेट है उसमें जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और ना ही बेसिकली जो रिसेसिव फॉर्म का जीन है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है। दैट मींस कि दोनों ही इस केस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और हेटेरोजाइगस में एक थर्ड फॉर्म का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखा जा रहा है। अब इंपॉर्टेंस इस चीज की क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप यहां पे देखेंगे कि आपको तीन फिनोटाइप दिखेंगे, दैट इज रेड, पिंक एंड व्हाइट, एंड द जीनोटिपिक रेशियो विल बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 1:2:1। दैट मीन्स एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है उसका नाम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट में कि इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहता है, तो आंसर हमारे पास आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए हमने यहां पे इस चीज को समझ लिया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। अब एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि सब्जेक्टिव नॉलेज देंगे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक इसका ब्रीफ रिव्यू लेने के लिए। तो देखिए यहां पे पहला पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि नाइदर अलील इज डोमिनेंट। जब मैं इस चीज की बात करता हूं तो मैं एक जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की हेटेरोजाइगस स्टेट में बात करता हूं, और देखिए इस फॉर्म को हम यहां से समझ सकते हैं कि यहां पे जो हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर है जो कि हेटेरोजाइगस स्टेट में है उसमें ना तो कंप्लीट आर का एक्सप्रेशन आ रहा है और ना कंप्लीट स्मॉल आर का एक्सप्रेशन आ रहा है। दैट मींस दोनों ही अलील्स अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और एक इंटरमीडिएट फॉर्म का एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज द एक्सप्रेशन बेसिकली पिंक। सेकेंड इज व्हेन ऑर्गेनिजम्स इज इन हेटेरोजाइगस स्टेट फॉर अ ट्रेट इट विल शो अ थर्ड फिनोटाइप, और ये मैंने आपको बताया बेसिकली यहां पे तीन फिनोटाइप्स आए थे, रेड, पिंक एंड व्हाइट, एंड दिस पिंक इज द थर्ड फिनोटाइप। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली टू फिनोटाइप्स आर ऑब्जर्व, दैट इज रेड एंड व्हाइट। द थर्ड पॉइंट विद रिलेशन टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द थर्ड फिनोटाइप इज अ ब्लेंड ऑफ टू। दैट मीन्स कि जो हमारे पास थर्ड फिनोटाइप आ रहा है जो यहां पिंक है वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन शो करेगा दोनों ही पेरेंट फॉर्म्स के बीच का। दैट मीन्स इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स। तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ये बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टॉपिक था, और अब जो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में मेंशनड है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम का। तो को का मतलब होता है बायोलॉजी में टुगेदर, तो अगर इस वर्ड से ही हम इसका मीनिंग निकालें तो बेसिकली ऐसा फिनोमिना जिसमें बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द सेम वेरी जेनरेशन इज द फिनोमिनन ऑफ को डोमिनेंस। तो चलिए हम इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो
तो पहले मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में लेके आऊंगा। सपोज हम वही वाला जीनोटाइप लेते हैं जो कि हमने बेसिकली लिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, दैट इज आर आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए इसमें जब हम यहां पर एफ वन जनरेशन बनाएंगे और एफ वन जनरेशन के बाद जब हम यहां पर सेल्फिंग करेंगे तो हम यहां पर जब गैमेट्स बनाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्म का गैमेट कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो जाएगा और ऐसे ही यहां पे मेल ये जो बनेगा मेल पेरेंट से मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहां पर हमारे को जो चीज देखने को मिलेगी वो अगेन यहां पर हमें इतने फॉर्म्स के कैरेक्टर्स दिखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली कैपिटल आर जीनोटाइप है, दो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप है एंड एक स्मॉल आर स्मॉल जीनोटाइप है। अब जो ये होगा जीनोटाइप, ये जीनोटाइप तो कंप्लीटली रेड होगा। होमोजाइगस स्टेट की पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे, और ये जो स्मॉल आर है ये बेसिकली कंप्लीटली वाइट होगा कलर में। लेकिन जब हम बात करेंगे उसके हेटरोजाइगस स्टेट की बेसिकली कैपिटल आर और स्मॉल आर की, तो हम बेसिकली अगर इस कैपिटल आर को रेड कलर से शो कर रहे हैं, रेड कलर ऑफ फ्लावर है अगर ये, और ये हमारा वाइट कलर फ्लावर है, वाइट कलर है, तो हम बेसिकली इसमें क्या देखेंगे, इस फिनोटाइप का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन आएगी कि इसमें हाफ द एक्सप्रेशन विल बी फॉर रेड एंड हाफ द एक्सप्रेशन विल बी फॉर वाइट। दैट मींस कि इस केस में जो फ्लावर आएगा वो उसका कुछ पोर्शन तो वाइट होगा एंड यू कैन ऑल्सो सी रेड कलर इन द फ्लावर इन पैचेस। तो अगर मैं इस पोर्शन को देख रहा हूं तो ये देखिए व्हाइट कलर आएगा और यहां पे ये बेसिकली रेड कलर आएगा। तो हम यहां पर इस चीज को देख सकते हैं कि एक ही जनरेशन में दोनों के दोनों जीन्स आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ ब्लेंड करके बेसिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो कंडीशन होती है जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं कि बोथ द एलील्स विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द सेम जनरेशन। तो ये एग्जाम्पल जो कि हेटरोजाइगस स्टेट में आ रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस जहां पे दोनों ही जीन्स ने अपने आप को एक जनरेशन में एक्सप्रेस कर लिया। नॉर्मली जब हम इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल देखते हैं तो एनिमल्स में जो कोट कलर होता है वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारे पास HF काउज होती हैं। तो होल्स्टीन फ्रीजन काउज जो होती हैं उनमें हमने नॉर्मली देखा है कि जो उनका स्किन कलर होता है वो वाइट पे ब्लैक पैचेस होते हैं। दैट मीन्स वाइट एज वेल एज ब्लैक जीन आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द सेम वेरी जनरेशन जब हम कलर ऑफ कलर की बात करते हैं उनके स्किन पिगमेंटेशन की। अब देखिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप में अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें यह पता होता है कि जो आई ए है वो ब्लड ग्रुप ए है, आई बी ये अलील हो गया ब्लड ग्रुप बी का एंड आई ओ इज फॉर बेसिकली द ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ इज बेसिकली अ नल सेट विच डज नॉट हैव एंटीजन फॉर ए एंड बी। अब देखिए यहां पे कंडीशन ये होती है कि ये दोनों तो एग्जाम्पल्स बन जाते हैं कोडोमिनेंस के। दैट मींस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर मैं यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करता हूं तो ये एग्जाम्पल बनता है कोडोमिनेंस का, और अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करता हूं तो ये एग्जाम्पल बनता है बेसिकली मल्टीपल एलिलिज्म का, जिसमें एक ही क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को गवर्न करते हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में तीन अलील्स होते हैं ए बी एंड ओ विच आर गवर्निंग अ सिंगल ट्रेट, दैट इज द ब्लड ग्रुप्स। नाउ ए बी ब्लड ग्रुप इज शोइंग कोडोमिनेंस। अब इसको हम अगर हम स्टडी करें तो मान लीजिए अगर मैं यहां पर कोई एक जीनोटाइप
ले लेता हूं, बेसिकली मान लीजिए ये मैंने होमोजाइगस लिया ए का और ये मैंने होमोजाइगस लिया बी ब्लड ग्रुप का, तो यहां पे जब मैं यहां पे क्रॉस बनाऊंगा तो आप यहां पर देखेंगे कि जो जितने भी यहां पे फिनोटिपिक फॉर्म्स आ रहे हैं उसमें क्योंकि ए और बी दोनों ही बेसिकली एक ही जनरेशन में एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये जितने भी यहां पे जीनोटाइप्स आ रहे हैं दे आर बेसिकली शोइंग द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये कहीं ना कहीं चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चाहे कोडोमिनेंस हो दे आर द पार्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो दीज टू फिनोमिनेंस आर बेसिकली द क्रिटिक्स टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट वॉज गिवन बाय मेंडल। अब थोड़ी सी बात एक अलग से तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की। अब देखिए यहां पर अगर हम दो अलीलिक सिस्टम को कंसिडर करें और अगर यहां पे हम वी आर कंसिडरिंग टू अलीलिक सिस्टम और अगर हम उसमें मान लें कि जो एक अलीलिक सिस्टम है अगर उसको एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम 50% कंसंट्रेशन चाहिए, मान लीजिए किसी को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम 50% ऑफ द जीन प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो नाउ लेट अस कंसिडर टू अलील्स दैट इज कैपिटल टी एंड दिस इज टी डैश। अब मैं यहां पर इस चीज को बेसिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमेशा नॉर्मल हम ये मानते हैं कि जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव होता है और कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट वो होता है जिसमें दोनों ही फॉर्म्स डोमिनेंट में लिखे जाए, उनके जीन एक्सप्रेशन से हम ये बताएं कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। अब सिंपल केस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप का जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है वो ये हो सकता है कि अगर आप यहां पे इस तरीके से इसको देखें कि ये देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल टी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ टी डैश। यहां पर देखिए जो कैपिटल टी की कंसेंट्रेशन है वो टी डैश से ज्यादा है, आपको यहां पर ये अच्छे से नजर आ रही है। दैट मीन्स कि जो mRNA प्रोटीन्स को कोड कर रहा है वो टी का ज्यादा है इन कंपेरिजन टू टी डैश, दैट मीन्स कि टी इज डोमिनेंट ओवर टी डैश। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, टी इज डोमिनेंट ओवर टी डैश। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो कैपिटल टी है वो एक्चुअली टी डैश पे डोमिनेंट है। ये तो किस कॉन्सेप्ट के रिलेशन में हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट के रिलेशन में हो गया। अब हम बात करते हैं देखिए कोडोमिनेंस का केस। अगर मान लीजिए कि जितना हमारा टी एक्सप्रेस कर रहा है उतना ही अगर हमारा टी डैश एक्सप्रेस करे तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल हो जाता है कि अगर जितना मेरा टी एक्सप्रेस कर रहा है उतना ही टी डैश एक्सप्रेस करे तो एक्चुअली होगा क्या कि दोनों अपने आप को सेम जनरेशन में एक साथ ही एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर बताए थे। दैट मीन्स कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है दोनों जीन्स का वो इक्वलाइज कर जाता है, ऐसे केस में बेसिकली वो दोनों जीन्स अपने आप को बराबरी से एक्सप्रेस करने लगते हैं और इस फिनोमिना को आप कोडोमिनेंस कहते हैं। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी करें तो देखिए इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो होता क्या है कि यहां पे मान लीजिए ये कैपिटल टी की कंसेंट्रेशन थी और ये मेरी यहां पर टी डैश की कंसेंट्रेशन थी, तो एक रीजन यहां पर बीच में ऐसा आएगा जहां पे दोनों जीन्स का जो जीन प्रोडक्ट है आपस में ब्लेंड कर जाएगा। इस फिनोमिना को एक्चुअली हम जक्स्टा पोजिशनिंग ऑफ जीन प्रोडक्ट कहते हैं, जीन प्रोडक्ट कहते हैं, और यही कॉज बन जाता है कि जक्स्टा पोजिशनिंग का मतलब हो गया एक तरीके की ब्लेंडिंग। और यहां पे हम लिखेंगे कि जो टी की कंसेंट्रेशन है इज जक्स्टा पोज्ड विद टी डैश,
और ये जो फिनोमिना बनेगा ये हमारे पास जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका यहां पर हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सारी ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है ये बेसिकली बुक्स में इस फॉर्म में नहीं दिया जाता, लेकिन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जीन्स की कंसंट्रेशन जेनेटिकल इंटरैक्शंस को डिफाइन करती हैं उसको समझने में यहां थोड़ी सी हमें आसानी हो जाती है। तो बेसिकली ये टॉपिक नीट लेवल और क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12th में भी बेसिकली जो हमारा एग्जाम्पल है वो पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में आता है और उस फॉर्म के बेसिस पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें हमें इन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना होता है।